नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता, सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। जो कि गुरु बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 5 नवंबर से वो वृश्चिक राशि छोड़ धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उनका ये राशि परिवर्तन 29 मार्च तक रहेगा। ऐसे में गुरु के राशि परिवर्तन करने से खासकर कन्या राशि वालों को पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हर दृष्टिकोण से जानेंगे। आपके विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके ग्रहों की चाल आखिरकार क्या कहती है। जी बिल्कुल, देखिए कन्या राशि वालों की इस समय अगर हम ग्रह स्थिति बता देते हैं, इस समय कि 5 नवंबर की ग्रह स्थिति क्या है, और इस कुंडली के हिसाब से ये सारे ग्रह इसलिए बनाए गए हैं कि 5 नवंबर को क्या ग्रह कहाँ क्या खेल कर रहे हैं कन्या राशि में और कहाँ बैठे हैं, ये भी दर्शकों को बताना ज़रूरी है। और साथ साथ खासकर ये एपिसोड हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर है, जो कि 5 नवंबर से हो रहा है, और गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो हमारी जो प्रेडिक्शन है केवल गुरु के आधार पर है कि गुरु की स्थिति कैसे आपके कुंडली के खेल को बिगाड़ रही है या बना रही है, या क्या आपको फायदा होगा, क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए इस समय, और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से ग्रह की पूजा, कौन से देव की आपको पूजा करनी चाहिए जिससे आपको शुभ फलों में और लाभ की वृद्धि होए। तो इस समय लगन में मंगल चल रहे हैं, सेकंड हाउस में सूर्य हैं, तृतीय भाव में शुक्र बुध हैं, चतुर्थ में शनि केतु और गुरु का योग बना हुआ है, पंचम और छठा भाव, सप्तम भाव, आठवां भाव, नवा भाव खाली है, दशम भाव में उच्च के राहु है कर्म स्थान में, 11वां और 12वां भाव भी खाली है। तो इस समय कन्या राशि वालों की ये ग्रह स्थिति है कविता जी। तो ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार आपके ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, और अब बारी आती है आपके स्वास्थ्य की। जी हाँ, गुरु के राशि परिवर्तन करने से खासकर आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या आपको किसी खासी स्वास्थ्य संबंधित खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों को इस समय क्या है कि इनके छठे भाव के स्वामी शनि हैं, देखते हैं शनि केतु का योग इस समय बना में चतुर्थ भाव में। तो एक तो ये मानसिक तनाव से इस समय कन्या राशि वाले थोड़े से जातक पीड़ित हैं, मन में इनके तनाव पिछले कुछ समय से बना हुआ है, और कहीं ना कहीं शनि की इनके ऊपर जो है चतुर्थ भाव में शनि है, तो शनि की ढैया भी इनके ऊपर चल रही है कन्या राशि के ऊपर, जो कि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे रही है, और स्वास्थ्य का कारक ग्रह शनि केतु के साथ बैठा है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान इनको रहना ही चाहिए। और कोई भी अगर इनको कोई परेशानी, कोई स्वास्थ्य की दिक्कत है तो तुरंत उसका इलाज कराएं, लापरवाही ना करें स्वास्थ्य को लेकर इस समय, अन्यथा परेशानी आ सकती है। हालांकि चतुर्थ भाव में गुरु का आना थोड़ा सा इनके लिए शुभ रहेगा, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसमें थोड़ी सी कमी भी आएगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ इनके लिए बेटर रहेगी। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है इनके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए बेटर रहेगा, और जो कुछ स्वास्थ्य जो अगर जानना चाहते हैं कब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो देखिए जनवरी का एक फेस आएगा 24 जनवरी, जिसके बाद इनका स्वास्थ्य जो है तेजी से सुधार होगा, तब तक इनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब बारी आती है विद्यार्थियों की। जी हाँ, छात्र छात्राओं के लिए खासकर गुरु के राशि परिवर्तन करने से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए छात्रों को इस समय थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, उनका मन थोड़ा सा पढ़ाई से भटकेगा, बस यही एक इनको दिक्कत रहेगी, बाकी इनके एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। मन को भटकने से आपको बचाना चाहिए अपने आप को, और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन खेल में या इधर उधर की चीज़ों में रहेगा, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जितना ध्यान इस समय आपने अपनी शिक्षा पर लगाया तो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको इस समय नहीं होना है, वहीं पर कोई गलती आपसे हो सकती है, कोई इंटरव्यू में आपसे कोई गुस्ताखी या कोई गलती हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कन्या राशि वालों को इस समय। थोड़ा सा इस समय वही बात लागू होती है आपके ऊपर, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी है, तो शिक्षा के लिए और सफलता बड़ी अच्छी मिलेगी आपको। जो छात्र इस समय कन्या राशि के विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, विदेश जाने के योग बनेंगे खासकर दिसंबर से। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, मेहनत करनी चाहिए बस। बिल्कुल। चलिए अब बारी आती है रिश्तों की। जी हाँ,
रिश्तों में मधुरता होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके आपसी रिश्ते अच्छे होंगे तभी आप अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर सकेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ऐसे में गुरु के राशि परिवर्तन करने से खासकर कन्या राशि वालों को के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों के रिश्ते जो हैं वो दिसंबर माह से ज़्यादा बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि इस समय गुरु की स्थिति हालांकि इनके लिए बड़ी शुभ है तो दिसंबर माह से और भी बेहतर हो जाएंगे, कुछ ग्रह परिवर्तन और भी होंगे तो दिसंबर माह से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, जीवन साथी के साथ कोई अगर व्यर्थ का वाद विवाद चल रहा था वो भी दूर हो जाएगा, नए रिलेशनशिप भी इनके 5 दिसंबर से शुरू होने आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बस कन्या राशि वाले थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और रिलेशनशिप को आपको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, रिलेशनशिप में लव रिलेशनशिप हो चाहे मैरिड लाइफ हो, जीवन साथी को थोड़ा तवज्जो दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और उनसे किसी तरह का वाद विवाद को टालें आपका तो इस समय वाद विवाद टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलो रिश्तों से जुड़ा एक और सवाल जान लेते हैं कि आखिरकार गुरु के राशि परिवर्तन करने से कन्या राशि वाली जो कुवारी कन्याएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी देखिए इस समय जो कन्याएं हैं उसको शनि केतु गुरु का योग चतुर्थ भाव में इस समय बन रहा है, तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं थोड़ा सा अगले साल का इंतजार कीजिए, जनवरी से आपका समय जो है विवाह के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उस समय ग्रहों की स्थिति कुल मिलाकर बहुत बेहतर आपके विवाह की रहेगी, इस समय कोई रिश्ता देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं इस समय, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, कोई रिश्ते में कोई गलत रिश्ता इस समय आपको ना मिल जाए तो इस चीज़ की आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल कोई ऐसी इस समय परेशानी नहीं रहेगी, जनवरी से यह का आपका समय बहुत ही बेहतर शुरू हो जाएगा, विवाह का योग सुंदर योग बनता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी कि इस वक्त आप रिश्ते जरूर देख सकते हैं लेकिन हमारी सलाह यही रहेगी कि जनवरी के बाद आप अपना रिश्ता तय कीजिएगा। जी चलिए अब बारी आती है कारोबारियों की और नौकरी पेशा वालों की। देखिए नौकरी पेशा वालों की लाइफ में इस समय थोड़ी ज्यादा परेशानी चल रही है कन्या राशि वालों, क्योंकि शनि की ढैया भी है और केतु भी फोर्थ हाउस में शनि के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि गुरु के आने से थोड़ा सा क्या रहेगा चैलेंजेस इस समय थोड़ा आपके लाइफ में रहेंगे, इन्हें चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया तो आप बड़े स्टार बनकर निकल सकते हैं, मेहनत आपकी इस समय ज़्यादा रंग लाएगी, किस्मत का जो सितारा है वो इस समय थोड़ा कम साथ दे रहा है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत और किस्मत को जोड़ दें तो ये 70% तक रेशो चला जाएगा कुल मिलाकर, और अच्छी खबर क्या है कि जनवरी से आपका 24 जनवरी के बाद से समय आपका बहुत ही बढ़िया शुरू हो जाएगा, तो वहाँ आपका भाग्य भी साथ देगा, मेहनत भी रंग लाएगी और जो व्यर्थ की परेशानियाँ जो लाइफ में चल रही थी वो भी आपकी 24 जनवरी सन 2020 के बाद दूर होने वाली हैं, तो चाहे नौकरी पेशा हो चाहे व्यवसायियों के लिए अभी सामान्य लाभ है लेकिन 24 जनवरी के बाद उनको विशेष और बड़ा लाभ मिलेगा उनके बिजनेस में, उस समय के बाद बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं कन्या राशि वाले तो वो समय इनके लिए अच्छा रहेगा, धन लाभ के भी योग इनके निरंतर बनते रहेंगे। जी चलिए अब जान लेते हैं कि गुरु के राशि परिवर्तन करने से आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक जेब में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा या नहीं, आइए ये भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल देखिए धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, धन इनके पास निरंतर आता रहेगा, धन आएगा और सुख साधनों के लिए इस समय अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, वहाँ लेना चाहते हैं तो वो भी शानदार समय चल रहा है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय, पैसा काफ़ी आएगा और इसको आप खर्च भी करेंगे और खर्च के साथ साथ कुछ सेविंग भी करिए इस समय में तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भविष्य की योजनाओं में काम आएगा, तो कुल मिलाकर पैसे की कोई आर्थिक स्थिति का कोई संकट इस समय जो गुरु का गोचर है ये कोई संकट नहीं देने वाला है, सुख साधनों वृद्धि होगी, नाम और यश भी आपका इस समय फैलेगा। यानी कि संपूर्णतः देखें तो गुरु के राशि परिवर्तन करने से खासकर कन्या राशि वालों को शुभ फल मिलने वाले, हर दृष्टिकोण से आपका व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में भी आपको उन्नति मिलेगी, छात्र छात्राओं के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य भी रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपने बताया कि मानसिक तनाव आपको रहना रह सकता है और साथ ही साथ रिश्तों में भी आपकी मधुरता बनी रहेगी, और इसी के साथ जाते जाते अब जान लेते हैं उपायों के बारे में। जी हाँ किन उपायों के करने से आप अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं ताकि राशि परिवर्तन करते वक्त
आपको गुरु बृहस्पति देव शुभ फल देते जाए। देखिए इस समय आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ी सी दिक्कत स्वास्थ्य की आ रही है और आपको एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कार्यस्थल पर भी, तो आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू का दान मंदिर में करना चाहिए और चने की दाल का भी दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा, और मंगलवार के दिन कढ़ी चावल बनाकर अगर गरीबों को खिलाते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आप करें जिससे आपके संबंधों में भी सुधार होगा और कोई भी परेशानी अगर लाइफ में चल रही है तो वो भी दूर होगी। बृहस्पति के बीज मंत्र वैदिक मंत्र ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। जो छोटी मोटी समस्याएं इस समय कन्या राशियों में चल रही हैं कविता, वो भी दूर हो जाएंगी और शुभ फलों की इनको प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उपाय थे जिनके करने से आप गुरु बृहस्पति देव की असीम कृपा पा सकते हैं। हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि गुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन करने से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये 5 नवंबर से लेकर सीधा 29 मार्च तक रहेगा, यानी कि नए साल तक रहेगा। और जो कि कहते हैं ना कि गुरु बृहस्पति देव हर कारक के स्वामी है, हर कार्य जो कि शुभ फल शुभ ग्रह है और नवग्रहों में सबसे सर्वोपरि है। और अगर आप चाहते हैं कि घर में मांगलिक कार्यों के बाद धन संपत्ति अच्छी रहे, संतान सुख रहे और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहे, काम कारोबार भी अच्छा चले, तो जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति का शुभ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गुरु बृहस्पति देव जी का मजबूत होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, तभी आपको हर लिहाज से आपके कहें कि पांचों उंगलियां घी में रहेंगी। चलिए इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दीजिए इजाजत, और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके भी कुंडली से, अगर आपके अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी सवाल हो या फिर हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हो तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए महेश शर्मा जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।